हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम है। आज मैं उन औरतों या उन लेडीजों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो लाई हूँ जो मैरिज से पहले जॉब करते थे और आफ्टर मैरिज बेबी के लिए या फिर किसी रीजन से उन्होंने जॉब छोड़ दी है और घर बैठे हैं और वो अपनी लाइफ में फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं जॉब से शादी से पहले जॉब करती थी, अच्छी खासी एचआर थी। आफ्टर मैरिज मुझे बेबी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और घर बैठे ही अपना ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे आज की डेट में मेरे पास एक CSC सेंटर है जो मैं अपने घर से ही करती हूँ, जनसेवा केंद्र कहते हैं। और दूसरा, मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक भी ले रखा है। तो इसमें काम क्या होता है, ऑनलाइन सारे काम होते हैं। जैसे आपको, अगर आपको कंप्यूटर में काम करना आता है तो आप क्या करें, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और प्रिंटर होना चाहिए और लेमिनेशन मशीन, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आप इस तो आप इतने से ही अपना एक CSC सेंटर मीन्स जनसेवा केंद्र स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही। और उसमें आपको काम क्या क्या करना होता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, और क्या कहते हैं, स्थाई बनाना पड़ता है, और आयुष्मान कार्ड हो गया, और जाति प्रमाण पत्र हो गया, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं और उससे आप इनकम कमा सकते हैं घर बैठे ही। उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको जो जो भी कस्टमर आएगा तो उससे आपको डॉक्यूमेंट मांगना है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप क्या क्या चाहिए होता है, एक आधार कार्ड चाहिए होता है, एक वोटर कार्ड चाहिए होता है, एक फ़ोटो चाहिए होती है, एक बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड चाहिए होता है। दोनों में से राशन कार्ड चाहिए होता है या फिर वोटर कार्ड और बिजली के बिल में से एक चीज़ चाहिए होता है स्थाई दिखाने के लिए कि हम यहाँ के स्थाई हैं करके। और ऑनलाइन अप्लाई कर देना होता है, इतना ही करना होता है। और क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन CSC पोर्टल में ही हमारे पास आय प्रमाण पत्र मीन्स इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाता है और आप उनको दे सकते हैं, उसके बदले आप इनकम ले सकते हैं। हर हर स्टेट की अलग अलग प्रोसेस है। मैं उत्तराखंड स्टेट की बताती हूँ। जैसे मेरे को मैंने किसी का आय प्रमाण पत्र बनाया तो मैं उसके सिर्फ 30 रुपये लेती हूँ, 10 रुपये मेरे गवर्नमेंट चार्जेस जाते हैं, 10 रुपये प्रिंट आउट का होता है और 10 रुपये मेरी फीस होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आने वाले टाइम पे मैं और भी ऑनलाइन वर्क बताऊंगी जो आप घर बैठे कर सकते हैं। मैं और भी करती हूँ, धीरे धीरे मैं आपको आने वाले वीडियो में बताती रहूँगी। थैंक यू।